आज हमने एकदम आसान तरीके से सब्जियों से भरपूर एकदम टेस्टी और मसालेदार सब्जियों की तहरी बनाई है। इसे पुलाव भी कहते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं सब्जियों की तहरी। कुकर में 2 से 3 टेबलस्पून तेल डालेंगे, 1 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। तेल और घी गरम हो रहा है तभी हम इसमें खड़ा मसाला डालेंगे, 1 तेज पत्ता, 3 लौंग, 3 इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया है। इलायची को हमें ऊपर से खोल के लेना है। आधी टीस्पून राई, आधी टीस्पून जीरा। राई को क्रैकल होने देंगे। राई क्रैकल हो गई है, 2 छोटी साइज का प्याज का स्लाइस करके ली है। प्याज को थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। प्याज को हमने धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया है। प्याज का पानी सूख गया है। आधे टेबलस्पून लहसुन की पेस्ट, 1 टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट, आधे टेबलस्पून अदरक की पेस्ट। अदरक लहसुन को लाइटली सौते कर लेंगे। 1.5 कप मिक्स वेजिटेबल लिया है। इसमें मैंने 1 छोटी साइज का गाजर, 1 मीडियम साइज का बैंगन इसे चॉप किया है, 4 से 5 गोभी के फूल है, 1 छोटी साइज का आलू, 10 से 12 ग्रीन बीन्स। सबको मैंने मीडियम चॉप करके लिया है। ये अंदर डाल देंगे। 1/4 कप मटर। चला लेंगे सब्जी को। 1/2 कप तीनों कलर की शिमला मिर्च ली है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है तो आप सिर्फ हरी शिमला मिर्च डाल सकते हैं। इस पुलाव में हम बहुत सारी सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही हेल्दी बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। 1 मीडियम साइज का टमाटर चॉप करके लिया है। 1/2 आंच पे ही सब्जियों को भूनना है। 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून शाही बिरयानी मसाला, इसके बदले भी आप गरम मसाला डाल सकते हैं। अगर नॉर्मल गरम मसाला डाल रहे हैं तो 1 टीस्पून गरम मसाला डालें। 1/2 आंच पे 2 मिनट के लिए मसाला अच्छे से भून लेते हैं। 1 कप बासमती चावल को 2 से 3 बार पानी से धो लिया था और पानी डाल के इसे 15 से 20 मिनट तक इसे भिगो के रखा था और इसका पानी हमने निकाल दिया है। ये चावल अंदर डाल देंगे। हल्के हाथ से चलाएंगे, नहीं तो चावल का दाना जो है वो टूट जाएगा। 1/2 आंच पे 2 मिनट चावल को भी भून लेते हैं। 2 मिनट के लिए चावल को हमने भून लिया है। 1 कप हमने बासमती चावल लिया था तो 2 कप हमने पानी गरम किया है। गरम पानी इसके अंदर डालेंगे। दो टीस्पून नमक डालेंगे, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून नींबू का रस, मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पे इसे टेस्ट करके देख लेना है, अगर नमक कम है तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा डाल सकते हैं। कुकर का ढक्कन बंद करके मीडियम फ्लेम पे 1 सीटी तक कुक करेंगे। मीडियम फ्लेम पे 1 सीटी हो गई है तो गैस ऑफ कर देते हैं और कुकर को ठंडा होने देंगे। कुकर ठंडा हो गया है, इसे खोल के देख लेते हैं। सब्जियों की तहरी पुलाव रेडी है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। 1 चम्मच ऊपर घी डालेंगे। आप भी इस तरह से जरूर बनाना, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। अभी ठंडी के मौसम में सब्जियां भी बहुत सारी मिलती है। हल्के हाथ से इसे चलाएंगे। 2 से 3 टेबलस्पून ऊपर हमने हरा धनिया डाल दिया है। सब्जियों की तहरी पुलाव रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ में।